आज का दिन जो है उसको हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कहा जाता है। तो ये इनफैक्ट दिन इसलिए मनाया जाता है कि जो लोग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करते हैं और पेशेंट की सेवा करते हैं उनको थैंक्स करने के लिए बेसिकली ये होता है। लेकिन अभी क्या हो गया हुआ है कि जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वजह से जो हमारी लाइफ फास्ट चल रही है उसकी वजह से क्या है कि जो हमारे डोनर्स हैं, चाहे वो वॉलंटरी डोनर्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोमेटोलॉजी ISBTI, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में योगिक वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करने का एक ऑब्जेक्टिव रखा। तो उसी कंसर्न में ये लेक्चर था ताकि अगर एवरीबॉडी अगर योगिक वे ऑफ लाइफ जो सिंपल टेक्निक्स हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कैसे खाना खाया जाए, कैसे किसी को हेल्प करी जाए, कैसे सोया जाए, ये सारी चीज़ें अगर डेली जो रूटीन की अगर इसको हम प्रॉपर वे से करेंगे तो हमारे अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो बंद हो जाएंगे और उनकी जगह हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे। और आपको पता है कि अगर हैप्पी हार्मोन्स अगर ब्लड में होंगे तो जो पेशेंट ले रहा है ब्लड उसको भी बेनिफिट होगा। और आज का जो प्रोग्राम था ये इसका सारा श्रेय जो है ये सारा डॉक्टर जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के डॉक्टर रूबी रेशी उनको जाता है, बिकॉज शी वॉज हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। और इनका यहाँ काम देख के और जो एंथुजाज्म यहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी और बाकी लोगों में है ब्लड डोनेशन करने के लिए, मैं इनको मुबारक देता हूँ। और आपके चैनल से मैं जितने कश्मीर के जो युवा हैं जो 18 साल से 65 ईयर्स के बीच में हैं, बिकॉज आप 18 साल से लेकर 65 ईयर्स तक एक साल में 4 दफ़ा ब्लड दे सकते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप 18 साल में शुरू करेंगे तो 65 तक 188 टाइम्स आप ब्लड दे सकते हैं बगैर किसी नुकसान के। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे कश्मीरी भाइयों को ये यहाँ वैली के जितने लोग हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एक साल में कम से कम एक दफ़ा अगर आप ब्लड देंगे तो एटलीस्ट कश्मीर में ब्लड की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इनफैक्ट अगर आप एक साल में 4 दफ़ा देंगे तो फिर कश्मीर का जो ब्लड है प्योर ब्लड वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। और कश्मीर एक एक्सपेरिमेंट, एक यू कैन से कि दुनिया के लिए एक नक्शा बन जाएगा कि कश्मीर में जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है वो अपनी मर्जी से दिया जाता है और एक मिसाल बन जाएगी। तो ये मेरा एक मैसेज लास्ट में। Is across the world celebrated as World Blood Donors Day. So thanks to voluntary blood donors for their noble act, as well as serves as a platform for us. It is undoubtedly the most precious gift that one can give another person. The blood that gets donated is separated into its various components and it can be individually used for various patients. So as we all know, one unit of blood that is donated by one person reaches 2 to 3 patients. But this still there's a constant need for at times of crisis. In this process, having said this, I would like to take this opportunity to make a special mention of a few organizations and groups. The 53 Battalion CRPF Unit Baramulla, 19 Infantry Division Baramulla, District Police Lines Baramulla, 52 RR Dalina, Care for Humanity, Al Iman Youth Foundation, Blood Network Baramulla, Al Umma Welfare Fund, various other social organizations who render their utmost support at times of need. The history of celebrating this blood, June was chosen because this happens to be the birth date of Karl Landsteiner, who is the father of blood grouping, and this year's Blood Donors Day is Give Blood, Give Plasma, Share Life, Share Often. We can build a better world, one drop at a time. Together, let us celebrate Blood Donation Day and make a lasting impact on the lives of those who depend on our generosity. Thank you very much. Thank you, ma'am. Due to scarcity of time, we cannot have any further
speeches by. Dr. Insha. Mr. Masroor Mustafa. Nazif Mushtaq. Mr. Mubashir Bashir. Mr. Rizwan Majid. Mr. Umar Farooq, Ms. Aarti Devi, Mr. Shahraz Ahmed, Mr. Maya, Mr. Mohammed Aqib Lone, Mr. Ashwini, Mr. Talib Mafool, thank you. अब जब ज्यादा ज्यादा खाना खाते हैं तो क्या होता है, नींद आना शुरू होती है. तो क्या होता है कि जब स्टमक में खाना गया तो स्टमक को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए उसको हजम करने के लिए. एनर्जी कहां से आएगी, ब्लड से आएगी. दैट मीन्स स्टमक नीड्स मोर ऑफ द ब्लड. तो अब मैं खड़ा हूं तो ग्रेविटेशन फोर्स से मेरा ब्लड नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा, ऊपर से नीचे. तो मेरा ब्रेन का ब्लड कहां जाएगा, स्टमक में जाएगा. एंड देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्रेन एंड यू फील गिटीनेस. अब जब चौकड़ मार के नीचे बैठोगे तो क्या होगा, आपके ये जो बटक्स के मसल्स हैं दे विल बी प्रेस्ड एंड देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड. व्हाट हैपेंस, खाना अच्छा हजम होता है. भगवान ने हमने कितने दांत दिए हुए हैं मेरे अंदर, कितने हैं, 32. क्यों 32 दिए. अब कौन आदमी है, हाथ खड़ा करो, जो 32 दफा खाने को चबाता है. आप तो दो दफा भी नहीं चबाते, आप तो जल्दी जल्दी जो आते हैं श्रीनगर से 7 बजे ब्रेकफास्ट हो सकता है गाड़ी में ही वो खाते खाते निकल के आ जाए इधर, टाइम लेते नहीं हम. सो क्वांटिटी कितनी खानी है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर एटीट्यूड. आप घर में जाके जब खाना खाते हैं तो सामने टीवी लगा हुआ है, टीवी में क्या गाना आ रहा है, कैसे है, मर्डर हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं. आप तो खाना खाई जा रहे हैं, हो सकता है 4 चपाती 5 10 15 खा लें, परवाह नहीं कुछ भी. तो खाना खाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जब सामने थाली आती है, चपाती आती है, कम से कम उसको देखो भाई. अब यू नो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इफेक्ट पता आपको, जो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि ये कुछ नहीं है लेकिन मैं जिसको देखूंगा वो चीज मेरे को सामने नजर आएगी. जैसे आपने आई थिंक वो थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है, मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. बट मेन थिंग इज दिस, पानी की बात करते हैं. पानी जब पीते हैं तो हम पानी को देखते भी नहीं है. एक जापानीज डॉक्टर है, जब डॉक्टर मेसारो मैको अभी स्लाइड इश्यू आएगी, मैं इसलिए स्लाइड को नहीं दिखाना चाहता कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, जो जो मन में आता है मैं बोलता जा रहा हूँ. उसने क्या किया, उसने पानी का एक सैंपल लिया.